मानव सहयोग सोसाइटी ने 50 वर्ष पूर्व एक छोटा सा पौधा लगाया था जो आज एक विशाल वट वृक्ष में परिवर्तित हो चुका है, जिसकी शाखाएं शहर तक सीमित ना होकर आसपास के गांवों को भी लाभान्वित कर रही हैं। मानव सहयोग सोसाइटी ने अपने इस 50 वर्ष की सफल यात्रा को जालंधर के एक निजी होटल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया। इस समागम का आरंभ गणेश वंदना से किया गया, जिसके पश्चात सभी सदस्यों ने मिलकर ज्योति प्रज्वलित की। इस दौरान सोसाइटी के प्रधान डॉक्टर एस के शर्मा ने संस्था की 50 वर्ष की यात्रा का शुरू से लेकर अब तक का सारा विवरण पेश किया कि कैसे संस्था वर्ष 1973 से शुरू होकर अब तक सफलतापूर्वक चिकित्सा तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। इस अवसर पर सोसाइटी के महासचिव विनेश जैन ने सोसाइटी की गतिविधियों को विस्तार पूर्वक विवरित किया। इस मौके पर उपप्रधान डॉक्टर सुषमा चोपड़ा ने सभी मेहमानों को सोसाइटी के शिक्षा के कार्यों से अवगत करवाया। इस अवसर पर दिल्ली से महेंद्र लाल गुप्ता, भूतपूर्व महासचिव विनोद अग्रवाल, दिल्ली से डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर नीरा जैन विशेष रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही डॉक्टर रचना सरदाना, डॉक्टर एमबी बाली, डॉक्टर पविंदर जैन और विनोद जैन एवं अन्य जो कि पिछले 50 वर्षों से इस संस्था से जुड़े हैं, उन्होंने भी अपने भाव रखे। इस मौके पर रमेश सेवक, आलोक सोंधी, विवेक सोंधी, हरीश गुप्ता, विमल जैन, एस के कोहली, मुकंद राय गुप्ता, संदीप जैन, सुनील मल्होत्रा, राहुल जैन, अमित गुप्ता, जे सी अरोड़ा, मीनाक्षी जैन सहित अन्य सदस्यगण भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। आज हम मानव सहयोग सोसाइटी का एनुअल फंक्शन जो 50 साल पूरे किए हैं मानव सहयोग सोसाइटी ने, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं और हॉल में आज काफ़ी, नॉर्मली तो हम दिन में प्रोग्राम करते थे, आज पहली बार यह है कि हमने शाम को प्रोग्राम किया। मेरे साथ बड़े सीनियर मानव सहयोग से हमारे मेंबर हैं श्री अशोक वर्मा जी, मैं आप सबको नमस्ते कहता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि मानव सहयोग सोसाइटी एक एनजीओ है जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसमें डॉक्टर शर्मा हमारे प्रेसिडेंट हैं और विनेश हमारा सेक्रेटरी और उसके अलावा भी बहुत मिस्टर विमल जैन और भी डॉक्टर मिसेस चोपड़ा, बहुत गणमान्य शहर के जो लोग हैं जो अपने यही सोचते हैं कि लोगों की सेवा करनी है और उसी में
हमें खुशी मिलती है। और 50 सालों से मानव सहयोग सोसाइटी का अब तो बजट 4-5 करोड़ से ऊपर चले गया। और हम मानव सहयोग में शुरू तो हुए थे मेडिकल फील्ड में, अब एजुकेशन फील्ड में भी हम आ गए हैं। एक CBSE स्कूल चला रहे हैं हम 120 फुट की सड़क पे, और उसमें 1000 से ऊपर बच्चे हैं। उसके अलावा 4 साक्षरता स्कूल, जो हम समझते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जो रैग पिकर्स के बच्चे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं, 200 से ऊपर बच्चे उधर हैं। और स्कॉलरशिप भी 20 लाख से ऊपर पर ईयर हम स्कॉलरशिप देते हैं। और काफ़ी 5 डिस्पेंसरीज हैं जिनको मानव सहयोग सोसाइटी चला रही है। और अभी भी हमारे को एक NRI है रंधावा, नाली में उन्होंने अपनी बिल्डिंग दी है कि हमारा आके आप जो काम कर रहे हैं उनसे इम्प्रेस होकर उन्होंने हमारे को वो भी सेवा का मौका दिया है। और खुशी की बात यह है कि मानव सहयोग में हम सारे एग्जैक्टिव मेंबर्स जो हैं वो ये सोचते हैं सबसे पहले अपनी जेब से पैसे दो, फिर लोगों से हाथ जोड़ के पैसे मांगो। मानव सहयोग सोसाइटी का अज 50वां साल है और वो वास्ते सारे जने इकट्ठे हुए हैं। वो साढ़े डॉक्टर शर्मा प्रेजिडेंट है, जेडे फाउंडर है, बाकी साढ़े प्रेजिडेंट के नाल उन्होंने जो बड़े सैकटरी हैगी है जैन साहब, वो बड़े साढ़े पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैगी है। बाकी भी जिन्हें भी साढ़े सहयोगी हैगी है या एग्जैक्टिव मैंबर है, सारे एक्टिवली इनवॉल्व है। और सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है लोगों के भले वास्ते, उन्होंने वास्ते जिन्होंने जरूरत है। और ईश्वर जड़ा वो आदमियों ही रहा है, सो इस करके मानव सोसाइटी जी है वो सेवा ही कर रही है। सो इन्हें मैं कहना चाहना, और आने वाले टाइम वास्ते मैं बहुत बहुत शुभकामना देना। थैंक यू सो मच।